हेलो गाइस, वेलकम टू अचीव IAS। माय नेम इज़ आयुष मेथी। इस वीडियो में हम 11 अप्रैल 2020 के द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस करेंगे। शुरू करने से पहले आपको बता दूं, हमारे सारी एनसी सब्जेक्ट्स के और सारी स्टैंडर्ड बुक्स के मोस्टली कोर्सेज उपलब्ध हैं MCQ फॉर्मेट में। ज़्यादा जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं और वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले आर्टिकल से, ट्रेड इन टेटर्स बात। और ये WTO एक्सपेक्ट करता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेक्ट करता है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि WTO का हेडक्वार्टर कहाँ है। ग्लोबल ट्रेड वॉल्यूम 2020 में 32% तक घट जाएगा। अब पूरे आर्टिकल में डाटा है, टाइटल से आपको पता चल गया होगा कि पूरे आर्टिकल में केवल डाटा दे रखा है और सबको पता है ट्रेड घटेगा। और डाटा का जो इम्पोर्टेंस है UPSC में काफ़ी कमी है, आपको कंसेप्ट ज़्यादा पता होने चाहिए। जैसे अगर मैं आपको इसकी बात करूँ, जो आर्टिकल है बहुत अच्छा आर्टिकल है, डिस इंजीनियस एंड नो एंटीडोज, नो गवर्नमेंट शुड बी परमिटेड टू हाइड बिहाइंड द असम्पशन ऑफ फेक न्यूज़ टू एब्डिकेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इट्स एक्शन। एब्डिकेट मतलब हटा देना, ध्यान न देना, मिटा देना। कोई भी गवर्नमेंट फेक न्यूज़ का बहाना लगा के अपनी जिम्मेदारियों से बच नहीं सकती। आर्टिकल लिखा है अमित सिब्बल ने, कह रहे हैं केंद्र सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1 अप्रैल को अप्रैल फुल के दिन कहा कि जो फेक न्यूज़ फैली थी इस कदर कि माइग्रेंट वर्कर्स बाहर निकल निकल के आ गए और वो बाहर अपने राज्यों में जाने लग गए। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू एग्जामिन दिस इन द लाइट ऑफ वॉट फेक न्यूज़ एक्चुअली मीन्स। फेक न्यूज़ एक्चुअली में होती क्या है, होती क्या है? एक रिपोर्ट जिसको प्रेजेंट तो ऐसे किया जाता है कि एक ऑथोरिटेटिव है, यानी ऑथोरिटी से निकल के आई है, ऑफिशियल है, बिल्कुल सरकार ने ही निकाली है, लेकिन एक्चुअली में कभी वो इवेंट हुआ ही नहीं जिसके बारे में रिपोर्ट ये बताती है। फेक न्यूज़ इज अ मैनेज नॉट ओनली बिकॉज इट इज़ यूजुअली मोटिवेटेड बाय एन इंटेंट। फेक न्यूज़ हमेशा ख़राब इसलिए नहीं होती, इसलिए ही ख़राब नहीं होती क्योंकि वह मिस इन्फॉर्म और लोगों को बेवकूफ़ बनाना चाहती है, बल्कि इसलिए भी कि वो लोगों को एक्ट करवाना चाहती है किसी इन्फॉर्मेशन में। देखा गया अभी किसी जगह पुलिस वालों पे हमला हुआ, फेक न्यूज़ फैलाई गई थी कि वो NRC के लिए पुलिस वाले आए थे। तो फेक न्यूज़ एक कहीं ना कहीं, मैं आपको कई एडिटोरियल्स में बोल चुका हूँ कि एक आप मान सकते हैं कि COVID-19 से भी बड़ा एक पेंडेमिक है पूरी दुनिया में। कहीं भी देख लीजिए फेक न्यूज़ का बोलबाला है। फेक न्यूज़ को रोकना भारत जैसे देशों में तो खासकर ज़रूरी है जहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। फॉर मैनी, अच्छा हाँ, तो इसके क्या है, गंभीर परिणाम हो सकते हैं, ग्रेव कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, स्पेशली वहाँ पे जहाँ पे लोगों के पास मोबाइल तो बहुत है, सोशल मीडिया का यूज करने वाले बहुत है, लेकिन पढ़े लिखे नहीं हैं, इतनी एजुकेशन नहीं है, और एजुकेटेड भी जो है समझदार हो, अवेयरनेस नहीं है कईयों के पास। तो हमने देखा किस तरीके से कुछ एजुकेटेड लोग भी लॉकडाउन से बाहर निकल निकल के, जो है देखा गया कि अभी पता चला कि VIP थे एक मुंबई में और कहीं जगह, वो निकल निकल के लॉकडाउन से अथॉरिटी से परमिशन लेके बाहर घूमने चले गए। महाराष्ट्र की बात, कई जगह देखा भीड़ बना के लोग चल रहे थे। तो अवेयरनेस होनी ज़रूरी है। फेक न्यूज़ एक तरीके से आप कह सकते हो कि जो भी पॉलिटिक्स में हैं और उनको कोई अपोज कर रहा है, कोई विरोध कर रहा है, तो वो कह सकते हैं कि ये फेक न्यूज़ है। जैसे कि गवर्नमेंट जो है वो कभी भी कोई भी एक क्रिटिसिज्म आता है तो मोस्टली ये कह सकती है कि फेक न्यूज़ है। इफ़ राइटर यहाँ पे कह रहे हैं, इफ़ इट इज़ फेक न्यूज़, अगर ये फेक न्यूज़ है तो इसको कोई रिस्पॉन्स देना ही नहीं था ना, तो आपने रिस्पॉन्स दिया क्यों भाई? आप अगर फेक न्यूज़ फैला रहे हो, फेक न्यूज़ पे आप रिस्पोंड करते हो, गवर्नमेंट अगर इस चीज़ पे कहती है कि ये चीज़ जो है इस पे रिस्पोंड करती है, तो फेक न्यूज़ नहीं हुई ना, ये तो एक तरीके से ओपिनियन हो गया, समझ रहे हो? मैं बताऊंगा अभी और क्लियर करूंगा। फेक न्यूज़ एक तरीके से कोई भी जो है अपोजिशन को चुप कराने के लिए सरकार उपयोग में ले सकती है। फेक न्यूज़ का स्टेटस तगमा एक जो एक फेक न्यूज़ का एक वो डाल सकती है कि टैग, ठीक है? तो एक तरीके से न्यूज़ जो है वो फैक्ट बताती है, फेक न्यूज़ भी फैक्ट बताती है, लेकिन हमें पता है कि वो झूठे हैं।
लेकिन इस कदर बताए जाते हैं कि ये असली है, ये न्यूज़ है, समझ रहे हो। न्यूज़ क्या होती है, न्यूज़ खबर, खबर होती है कोई चीज़ फैक्ट निकल के आई। फेक क्या होती है कि वो फेक है, वो फैक्ट भी फेक है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना कि जो फैक्ट होते हैं, जो न्यूज़ होती है, वो ओपिनियन नहीं होते। बड़े बड़े चैनल पे एंकर आपको इतने फैक्ट बताते हैं, आज ये हुआ 100 सेकंड में 100 खबर, 50 सेकंड में 50 खबर, और आज का ये टॉपिक, हॉट टॉपिक, प्राइम टाइम, ये सब फैक्ट बताते हैं आपको, ओपिनियन नहीं बताते। ओपिनियन तो आप अभी पढ़ रहे हो एडिटोरियल में, ये ओपिनियन है, ये फेक नहीं हो सकता। वो फेक हो सकता है वो जो न्यूज़ चैनल वाले बताते हैं, क्यों, क्योंकि फैक्ट है। जहाँ से भी फैक्ट है, फैक्ट जो है झूठा हो सकता है, लेकिन ओपिनियन जो आप अभी पढ़ रहे हो वो झूठा नहीं हो सकता, क्योंकि ओपिनियन है। ओपिनियन के साथ आप डिसएग्री कर सकते हो कि ये चीज़ जो है इससे मैं सहमत नहीं हूँ, लेकिन ये उनका ओपिनियन है। तो कहीं ना कहीं अगर आप फेक न्यूज़ का क्रिटिसिज्म करते हो, फेक न्यूज़ जो क्रिटिसिज्म के तौर पर सरकार को, सरकार ले रही है कि यार ये तो जो है फेक न्यूज़ है, जबकि वो सरकार का क्रिटिसिज्म था। मैं ये बताऊँगा क्या घटना हुई। तो असलियत में देखा जाए तो एक ओपिनियन ही था वो, जो फेक न्यूज़ उसको नहीं ठहरा सकते। आज का जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स, जो ओपिनियन, जो माहौल, जो इन्वायरमेंट बन रहा है, कंटेम्पररी जो अभी है, जो अभी समय अनुसार जो अभी चल रहा है, वो डेंजरस अप्रोच आगे लेके चलता है एक स्टेप्स के साथ साथ। गवर्नमेंट यहाँ पे क्रिटिसाइज़ की जाती है, और क्रिटिसाइज़ की जाती है जब लोगों को दुख होता है, लोगों को दिक्कत आती है, और जब भी लोगों को कोई चीज़ दुख होता है, और जब वो फेक न्यूज़ जब वो सोशल मीडिया पर फैलाया जाता है, तो अथॉरिटी उसको कह देती है फेक न्यूज़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल लॉकडाउन हुआ, सरकार को क्रिटिसाइज़ किया गया कि माइग्रेंट वर्कर्स के लिए प्लानिंग पहले से नहीं की गई थी, एडवांस प्रोविज़न फूड के लिए, शेल्टर के लिए, सैलरी के लिए नहीं किया गया था। स्टेट गवर्नमेंट से इस मामले में कम्युनिकेट, बातचीत, वार्तालाप, मीटिंग नहीं की गई थी, कोऑर्डिनेटेड अप्रोच नहीं थी, पब्लिक से भी बात नहीं की। तो माइग्रेंट वर्कर्स इस दिशा में क्या करना चाहिए, उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो इस दिशा में अगर कोई भी फैक्ट निकल के आता है, कोई भी अपना ओपिनियन देता है, और इस तरीके से दिया गया था कि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने, चले अभी बात करेंगे उसको आने दो, लेकिन गवर्नमेंट का जो रिस्पांस था वो इस एक्सोडस, ये जो भीड़ निकल के आई ना, एक्सोडस यानी भीड़, ये जो एकदम से झुंड और जो ये इतने सारे जो मेला निकल के आया इनका, वर्कर्स का, अगर आप देखें कि गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स क्या था, तो गवर्नमेंट ने कहा कि एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन्फॉर्मेशन पहले इसके बारे में कोई जो है प्लानिंग नहीं की, दिल्ली की सरकार देखे, यूपी सरकार देखे, दोनों आपस में कंफ्यूज हो गई, जिसमें दिल्ली सरकार ने तो कुछ इंतजाम किया था लेकिन फिर भी वो वर्कर्स को रोक नहीं पाई, इस तरीके से वो इस मामले में फेल हो गए। तो जब स्टेट्स मिल के काम कर रहे थे, सेंट्रल मिल के काम कर रही थी, तो इन वर्कर्स को कैसे ऐसे छोड़ दिया गया। स्टेट्स पहले बसें लगाने लग गए वर्कर्स को अपने स्टेट पे पहुंचाने के लिए अपने अपने, फिर बॉर्डर्स को सील करने लग गए। ह्यूमन लॉस इससे काफ़ी ज़्यादा हुआ है और इनकैलकुलेबल है, इसको कैलकुलेट आप नहीं कर सकते कि एक औरत 200 किलोमीटर पैदल चल के गई है तो उसका कितना नुकसान हुआ होगा, कितना उसको दर्द झेलना होगा, कितने साइकोलॉजिकल और फिजिकल और कितना मेंटल स्ट्रेस उसको झेलना पड़ा होगा। आप घर में बैठे बैठे थक जाते हो, वो बाहर जाके 200 किलोमीटर थकेगी नहीं। हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड लोग जो जर्नी करके हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स के तौर पे गए कि भाई हम घर चले जाएंगे, वो जो सफरिंग हुई, इस सफरिंग के बारे में कोई भी नॉलेज अभी नहीं है, कितनी ज़्यादा हुई, कितने लोग गए। न्यूज़पेपर्स अभी भी कह रहे हैं कि कई लोगों के पास तो फूड, शेल्टर, क्लोथ और रहने की सामान जो ये चीज़ें हैं ये नहीं गए। ये तो क्रिटिसिज्म आया। अब न्यूज़ जो ये निकल के आ रही है कि खाना वाना नहीं पहुँचा, पक्का नहीं है कि खाना पहुँचा कि नहीं पहुँचा, लेकिन न्यूज़ निकल के आ रही है, कुछ लोगों को लग रहा है कि खाना और शेल्टर जो है वो नहीं पहुंचा है, स्टिल नहीं पहुंच रहा, तो लोगों का ओपिनियन है। तो जब लोग अपना ओपिनियन व्हाट्सएप पे या फिर इन पर शेयर कर रहे हैं, तो सरकार कह रही है कि एक फेक न्यूज़ है। सरकार ने बिल्कुल जिम्मेदारी अपनी निभाते हुए सुप्रीम कोर्ट में गई और कहने लगी कि ये देखो माइग्रेंट वर्कर्स फेक न्यूज़ की वजह से बाहर आ गए, और इनको डर लगने लगा कि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने, इनको लगा कि फेक न्यूज़ है। और फेक न्यूज़ क्यों लगा, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने जो पैकेज अनाउंस किया वो करीब 3 महीने का था, लॉकडाउन तो 21 दिन का था, तो इनको लगा कि असलियत में तो लॉकडाउन 3 महीने तक रहेगा, शुरू में 21 दिन का लगा, तो उनको लगा 3 महीने तक हम करेंगे क्या। यहाँ पे राइटर कह रहे हैं कि एक इकलौता कारण जो नज़र आता है वो ये नज़र आता है कि ये जो फेक न्यूज़ फैलाई गई थी कि एक्सटेंड लॉकडाउन 3 महीने तक होएगा, 3 वीक तो बताया गया लेकिन होगा 3 महीने तक,
तीन सप्ताह तक खाना पीना शेल्टर वेल्टर अम्यूनिटीज नहीं होती तो रह जाते। राइटर ये बोल रहे हैं क्यों, क्या वो रह जाते भाई? अगर वर्कर्स को सरकार कह रही है कि तीन महीने की फेक न्यूज़ की वजह से वो बाहर निकल गए तो वर्कर्स 21 दिन भी कैसे रहते? क्या इतना इंतजाम आपने कर रखा था कि ये फेक न्यूज़ नहीं फैलती और 21 दिन का लॉकडाउन होता तो भी वर्कर्स वहीं रहते? उनको इतना क्या आपने पूरी सिक्योरिटी दे रखी थी? सरकार यहाँ पर राइटर प्रश्न पूछ रहे हैं, समझ में आ रहा है? तो फेक न्यूज़ को अगर आप ब्लेम कर रहे हो कि गवर्नमेंट ने जो है कैलकुलेशन नहीं किया कितने लोग कितने माइग्रेंट वर्कर्स यहाँ से निकलेंगे, तो ये तो फिर जो है गलत चीज़ हो गई ना। और उनको कैलकुलेशन लगा अगर सरकार को कि जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं 21 दिन के लॉकडाउन में इनको कोई मुश्किलें झेलनी नहीं पड़ेंगी, तो ये तो एक मिसकैलकुलेशन है, ये तो गलत जो है नॉलेज लगा दी सरकार ने। फेक न्यूज़ एक स्टेटमेंट है जो फॉल्स है, लेकिन ये जो फेक न्यूज़ जो फैली थी जिसकी वजह से वर्कर्स निकल निकल के बाहर आ गए, जो सरकार कह रही है कि इस फेक न्यूज़ की वजह से निकल गया है, इसमें इस पूरी खबर में फेक क्या था? फेक ये था, मैं कह रहा हूँ ना आपको, कि लोगों ने ये कहा कि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने जो पैकेज निर्मला सीतारमण जी ने जो पैकेज अनाउंस किया है वो 21 दिन का लॉकडाउन है, जबकि पैकेज तो 3 महीने का है। तो यहाँ पे लोग जो हैं वो कंफ्यूज हुए क्यों? क्योंकि लॉकडाउन 21 दिन का, पैकेज 3 महीने का, सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं। सरकार ने मार्च 24 को नहीं बताया, अप्रैल 14 आ गई तो भी नहीं बता रही। गवर्नमेंट जो है वो कैटेगरीली कह सकती थी मार्च 24 को, लेकिन अब जो है 14 अप्रैल पे भी डिपेंडेंट है। तो क्या यहाँ पे गवर्नमेंट खुद एक सोर्स नहीं थी जिसकी वजह से फेक न्यूज़ फैल रहा था? कोई अगर सत्य नहीं है तो कोई चीज़ झूठी है, कोई चीज़, समझ रहे हो मेरी बात को? अगर आपको कोई, देखो मैं अगर बताता हूँ, जब तक ये पक्का पता नहीं चला था कि ग्रेविटेशन फोर्स नहीं होती तब तक लोग कुछ भी मन से अनुमान लगा लेते होंगे। जब तक लोग ये नहीं सोचते थे कि पृथ्वी जो है गोल है, जब तक लोग कुछ भी अनुमान लगा ले, लोग सोचते थे चंद्रमा जो है घूमता है, सूर्य घूमता है, जबकि स्लेट कहती है कि पृथ्वी घूमती है। तो जब कोई चीज़ सिद्ध नहीं होती तब तक लोग अपने मन से अनुमान लगाते हैं, और आप तब ये नहीं कह सकते कि वो, अब तो आप कह सकते हो फेक है, लेकिन उस टाइम उन ओपिनियंस को जो इतनी लोगों ने जो एंशियंट टाइम्स में सोचा था साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए, वो फेक नहीं था, वो उनके हिसाब से एक ओपिनियन था और उन पर रिसर्च की गई, समझ रहे हो? तो सोर्स क्या हुआ फेक न्यूज़ का, कि ये जो अनसर्टेनिटी, ये जो क्लियरिटी नहीं है ना, क्लियर नहीं हो चीज़ अभी प्रूव नहीं हुई, तो गवर्नमेंट ने जो है क्लियर नहीं किया कब तक लॉकडाउन रहेगा, कितने महीने तक रहेगा, पैकेज कब तक क्यों अनाउंस हुआ है, वर्कर्स के लिए क्या किया जाएगा, वर्कर्स को रहना है कि नहीं रहना, वर्कर्स के लिए क्या इंतजाम है। तो ओपिनियन लोगों का निकला ना यहाँ पे कि यार ये चीज़ ऐसी हो सकती है, चीज़ ऐसी हो सकती, अनुमान निकले, एस्टिमेशन, और इसको यहाँ पे सरकार फेक न्यूज़ बता रही है। तो फेक न्यूज़ का ओरिजिन कहाँ से हुआ? सरकार से। तो गवर्नमेंट जो है फेक न्यूज़ का तगमा यूज नहीं कर सकती ताकि क्रिटिसिज्म को बाईपास कर दे। इसको प्लान करना चाहिए था बेटर तरीके से सेंट्रल स्टेट के साथ मिलके। क्रिटिसिज्म है ये, क्रिटिसिज्म एक तरीके से नहीं कह सकते, सरकार के लिए सीख है, लेसन हमको सीखने चाहिए। माना सरकार से गलती हुई है, सरकार भी क्या करे, अभी काफ़ी मुश्किलें झेलनी पड़ रही है हमारे प्राइम मिनिस्टर को, ऑफिशियल्स को, डॉक्टर्स को, नर्सेस को, हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उन सबको, लेकिन फिर भी ये देखा जाए कि कैलकुलेशन इस तरीके से ना हो कि आगे जाके क्योर आपका नुकसानदायक हो जाए। बीमारी तो है ही, लेकिन क्योर जो इलाज है वो ज़्यादा नुकसानदायक हो जाए। तो लेसन्स हमको लर्न करने चाहिए, सरकार को भी, हम लोगों को भी, फॉरेन गवर्नमेंट्स के द्वारा जो अनाउंस किए गए उनसे भी हमको सीखना चाहिए कि उन्होंने किस तरीके से अनाउंस किया। फेक न्यूज़ का अगर आप बार बार ऐसे यूज लोगे तो ये तो एक तरीके से क्रिटिसिज्म को आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, ये दिखाई देगा। सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 31 को ऑर्डर दिया कि ऑफिशियल न्यूज़ जो आएगी वही जो है न्यूज़ चैनल ये दिखाएंगे। सरकार ने तो कोशिश ये भी की कहने की सुप्रीम कोर्ट से कि ये फेक न्यूज़ ही बंद करवा दो ना, कि भाई पैंडेमिक पे सरकार ने, तो ध्यान रखना सरकार ने कहा था कि पैंडेमिक पे कोई न्यूज़ हमारी परमिशन के बिना नहीं फैलेगी। सरकार कह भी सकती थी कि फेक न्यूज़ ना फैले, लेकिन पैंडेमिक के लिए सरकार ने कहा। तो हो सकता है यहाँ पे कुछ लोग कह रहे हैं कि क्रिटिसिज्म ना झेल पाए, ना सरकार नहीं झेल पा रही इसलिए कह रही है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, यहाँ पे राइट टू डिस्कशन जो है वो है, राइट टू डिस्कशन अच्छे से है, पैंडेमिक के बारे में आप डिस्कशन कर सकते हो, स्पीच और एक्सप्रेशन आर्टिकल 19 के अंदर आप इन्फॉर्मेशन डिस्कशन रोक नहीं सकते, क्योंकि सरकार, अगर सुप्रीम कोर्ट सरकार की बातों में आ जाती और बैन लगा देती डिस्कशन पे, तो ये आर्टिकल या ओपिनियन नहीं छपता। तो फेक न्यूज़ जो होती है अभी जो इस सिचुएशन में बताई जा रही है वो एक क्रिटिसिज्म है केवल, अच्छा क्रिटिसिज्म नहीं है, वो केवल एक व्यू पॉइंट नहीं है कि भाई जो एस्टेब्लिशमेंट को, रूलिंग पार्टी को, जो हमारी सरकार उनको पसंद नहीं है, ये केवल एक ओपिनियन है।
ओपिनियन तो अच्छा बुरा कुछ भी हो सकता है ना, तो ठीक है ये बात है। वॉन्टेड है कलेक्टिव नेशनल एंडेविड्योर। देखो इसमें बात हो रही है कि वर्ल्ड का जो बिगेस्ट लॉकडाउन अब एक्सटेंड हो चुका है, धीरे धीरे जो है अब हम देखेंगे किस तरीके से, हमको अभी भी नहीं पता कोविड 19 किस तरीके से फैलेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है अगर हम लॉकडाउन नहीं लगाए होते तो करीब 800,000 इन्फेक्शन फैल चुके होते और अभी तो 8,000 है। तो सरकार ने बहुत अच्छा जो है काम किया है, हालांकि सरकार ने किस कैलकुलेशन पर 800,000 इन्फेक्शन की बात कही ये अभी प्रूव नहीं हुआ। ये वायरस कब तक एंड होएगा कोई पता नहीं है। तो अभी तक ये है कि देखो अब इस आर्टिकल में पूरी जो बात हो रही है ये हमने कहीं ना कहीं पढ़ ली, ठीक है। अब मैं आपको ऊपर से बता देता हूँ। पहली बात तो कॉपरेशन फेडरलिज्म, कॉपरेटिव फेडरलिज्म, नीति आयोग क्यों बना है, कॉपरेटिव फेडरलिज्म, सेंटर और स्टेट मिलकर काम करेंगे। देखा होगा पिछले कुछ सालों में सेंटर स्टेट्स के बीच में दूरियाँ बढ़ती गई, स्टेट और स्टेट्स के बीच में दूरियाँ बढ़ती गई, सरकारें आपस में बातचीत नहीं करती, चाहे वो पॉलिटिकल डिफरेंस हो, आइडियोलॉजिकल डिफरेंस हो, चाहे कल्चरल डिफरेंस हो, आपस में बात करना पसंद नहीं करती सरकार। लेकिन एक पेंडेमिक क्या आया, कोविड 19 एक छोटा सा वायरस क्या आया, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट मिल गई, स्टेट गवर्नमेंट मिल गई, जरूरत के टाइम पर सब साथ में हो गए। तो ये चीज़ गलत नहीं है, अगर शुरू से ही सेंट्रल स्टेट के बीच में रिलेशन अच्छे होते तो कब की हमारी प्लानिंग बहुत मजबूत हो चुकी होती और वर्कर्स का जो हमको देखने का मिल रहा है और जो इतनी एसेंशियल सर्विसेज कम पड़ रही हैं और जो सप्लाई चेन डिस्टर्ब्ड हो रही है, भारत में खाना पहुंच नहीं रहा है एक जगह दूसरी जगह, हालांकि सरकार ने जो है पैकेज अनाउंस करके अच्छा काम किया लेकिन फिर भी जितना जरूरी था उतना नहीं है। तो यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन जो प्रोसेस चालू हुआ था पिछले कुछ सालों में, राइटर कह रहे हैं जो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा जिस तरीके से सारी अनाउंसमेंट प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं, कैबिनेट केवल प्राइम मिनिस्टर को सपोर्ट कर रहा है, ट्वीट कर रहा है, हेल्थ मिनिस्टर तो बाहर ही निकल के नहीं आ रहे, कुछ ब्यूरोक्रेट सारी जानकारी ले रहे हैं, सेंट्रलाइजेशन जो निकल के आया यही जिम्मेदार है इस चीज़ के लिए। डिसेंट्रलाइजेशन का अगर आप इंपॉर्टेंस देखो तो केरला ने किस तरीके से निपा वायरस को कंट्रोल कर लिया था, 40-50 वायरस आया था शायद, मैं ज़्यादा बता रहा हूँ पता नहीं, लेकिन कुछ ही डेथ हुई थी और कंट्रोल कर लिया था, सेंटर को तो पता तक नहीं चला। आज कोविड 19 के समय भी सेंटर जो है वो केंद्र स्टेट गवर्नमेंट से सीख रहा है, केरला से सीख रहा है। डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से ही राजस्थान में भीलवाड़ा नाम की डिस्ट्रिक्ट जो कि एक हॉटस्पॉट बन रही थी, डीएम ने बहुत अच्छे से काम किया, डीएम को सारी परमिशन थी कि तुम्हारी मर्जी जो करो लेकिन पेंडेमिक को रोक दो। अगर सेंट्रलाइज उस पर परमिशन आती सरकार की तरफ से इतना जो उस पर कंट्रोल होता तो वो काम कर पाता क्या। तो सेंट्रलाइजेशन एक जड़ है बहुत बड़ी, किसी भी चीज़ को सोलो ढंग से नहीं कर सकती, इसलिए डिसेंट्रलाइजेशन जरूरी है। दूसरी चीज, जीएसटी के रिवेन्यूज़ में देखा जा रहा है 4 महीने के कुछ स्टेट्स कंप्लेन कर रहे हैं, 4 महीने के जीएसटी का जो पैसा, 4 जीएसटी का जो रिवेन्यू वो नहीं दिया जा रहा उनको, तो ये भी दिया जाए। सेंटर को स्टेट के साथ मिलकर काम करना ही पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। सोशल टेंशन की मैं बात करूँ तो तबलीगी जमात वाला जो केस आया उनमें लापरवाही हुई, डेफिनेटली लापरवाही हुई, सज़ा होनी चाहिए उनको जो है, यहाँ पे उनके ख़िलाफ़ जो है सारी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से न्यूज़ चैनल इनको एक तरीके से जो आप कह रहे हो कि राइटर यहाँ पे कह रहे हैं कि एक ट्रेंड बना रहे हैं कि सारे जो कौम को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, ये हमारे सोशल टेंशन को बढ़ाता है, इसका फ़ायदा चाइना और पाकिस्तान उठाते हैं। पाकिस्तान और चाइना हमको वो जानते हैं कि हम हिंदू और मुसलमान लड़ते बहुत हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, ऐसी भी कोई फेक न्यूज़ टिकटॉक के जरिए देखी गई कि कई सारी वीडियोस फेक नजर आई जिनमें मुसलमान जो है वो लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे, हालांकि ये फेक निकल गए क्योंकि वीडियो सऊदी अरेबिया पाकिस्तान जैसी जगहों पे जो है की गई थी लेकिन हिंदी की ऑडियो डाल के फैलाया गया ताकि भारत जो है वो ये लोग भारत को आगे बढ़ता हुआ देख ही नहीं चाहते ना, एक नहीं देखना चाहते, पाकिस्तान को ये सुहाता नहीं है कि हम एक रहे। तो ये भी ध्यान रखना कि टीवी न्यूज़ चैनल्स ये ध्यान रखें, सोशल मीडिया खास करके, हालांकि टीवी न्यूज़ चैनल जो हैं वो जिस तरीके से डिबेट में देख रहा हूँ कई जगह से जो ओपिनियन निकल के आ रहे हैं वो एक तरीके से इसको एक पूरे रिलीजन के खिलाफ ना लेके जाएं, इसका ख्याल रखें। सोशल मीडिया पे भी आप इतनी फेक न्यूज़ ना फैलाएं कि दंगे देश में सोशल टेंशन जो है वो बढ़ जाए, ऑलरेडी हमारे सोशल फैब्रिक जो है वो पहले से टूटा हुआ है। इकोनॉमी की बात तो ध्यान रखना कि सोशल टेंशन वाली बात समझ में आ गया कि जिन्होंने गलती की है उनको सज़ा मिलेगी, ऑफ कोर्स मिलेगी, लेकिन हम लोग देखो हर मुसलमान हर हिंदू एक जैसा नहीं होता, सबको मिलके ही रहना पड़ेगा।
प्रधानमंत्री के लिए मुश्किलें खड़ी मत करो। प्रधानमंत्री COVID-19 को संभालने में पूरा टाइम लगा रहे हैं, उनके सामने एक नई मुसीबत आ जाएगी अगर आप इस तरीके से सोशल टेंशन फैलाओगे। तो सरकार को पूरा समर्थन दो, सरकार को काम करने दो और एकजुट रहो, एक रहो, चाहे कोई से भी धर्म हो, कोई सी भी जात हो, कोई सी भी जो है कास्ट हो, कोई सी भी जो है पॉलिटिकल क्लास हो, कोई सी भी रिच हो पुअर हो, सब एक रहो। रिकंस्ट्रक्शन की मैं बात करूँ, इकोनॉमी की बात करूँ, तो आपको पता है किस तरीके से सबको जो है वो अभी काम पे लगाया हुआ है। ब्यूरोक्रेट्स दिन रात काम कर रहे हैं, आईएएस ऑफिसर आईपीएस ऑफिसर्स जो हमारे जो ऑफिशियल्स हैं वो, जो हमारे पैरामेडिकल स्टाफ है, जो हमारे आशा एक्टिविस्ट है, जो हमारे एग्रीगेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट है, जो हमारे सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट है, जो हमारे पैरामेडिकल स्टाफ है, सब काम कर रहे हैं। जो बुजुर्ग लोग हैं उनको सुपरवाइजरी के लिए लाया जा रहा है, जो रिटायर्ड जो डॉक्टर्स हैं कि आप हमसे सुपरवाइज करो, फील्ड में मत आओ, आपको इन्फेक्शन हो जाएगा, दिक्कतें आएंगी। यंगर लोग तो फिर भी संभाल लेंगे इन्फेक्शन को क्योंकि उनकी इम्यूनिटी ज़्यादा होती है, आप सुपरवाइज करो। जो यंग लोग हैं उनको भी अब लाया जा रहा है। ये जो ह्यूमैनिटेरियन जो डिजास्टर है, इंसानियत के ऊपर ही एक प्रहार है इस COVID-19 का, तो इंसानियत के ऊपर ही बनने दो। हमको मिलके काम करना पड़ेगा और मिलके जो हमको रिकवर होना पड़ेगा, ठीक है? ये आपको समझ में आ गया? सीज फायर, पाकिस्तान बार बार सीज फायर कर रहा है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने कहा, डाटा इन्होंने दिया 2019 का, 2019 में 3469 वॉयलेशन हुए थे, 3479 हर दिन 10 सीज फायर वॉयलेशन पाकिस्तान के द्वारा हुए थे। आज भी COVID-19 के पेंडेमिक के समय में वहाँ की जो आर्मी है वो हमला करने में लग रही है, सीज फायर का वॉयलेशन कर रही है, खुद की वहाँ पे लोगों का, जनता का उनको ख्याल है नहीं। और कहीं ना कहीं, और हमारी सरकार कह रही थी कि पाकिस्तान से अच्छे से बात हो गई है, अब जो है वहाँ पे हमने पूरी तरीके से मिलिट्री ऑपरेशन जो है कंडक्ट करवा लिया, उसके बावजूद भी ये वॉयलेशन किस तरीके से हो रहे हैं। और जब से आर्टिकल 370 वाला मैटर हुआ है तब से जो है हमले ज़्यादा ही हो रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से। कुछ जवानों ने हमारी जिंदगियाँ खो दी, जिनकी जिंदगियाँ खो दी, जो वहाँ पे नागरिक थे उन्होंने अपनी जिंदगियाँ खो दी। आसपास लोग रहना इसलिए पसंद नहीं करते, हम यहाँ पे कहते हैं कि हमने उनसे बदला ले लिया, पाकिस्तान कहता है कि हमने इनसे बदला ले लिया, लेकिन भुगतते कौन है? वो लोग जो वहाँ पे रहते हैं। अब मेंस के लिए अब देखो, आर्मी तो क्या करे, आर्मी तो अपनी जिम्मेदारी निभाएगी ना, मिलिट्री तो है इसलिए कि वो किसी न किसी तरीके से देश को बचा के रहे, लेकिन टॉप लीडर को भी, टॉप लीडरशिप को समझना चाहिए कि पाकिस्तान ऐसा कर क्यों रहा है। खैर वो तो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है, शॉर्ट टर्म के लिए और इस, अब देखो पाकिस्तान नहीं भी मानता ये तो ज़रूरी है नहीं, तो सीज फायर जो वॉयलेशन हो रहे हैं और नागरिकों की जो जिंदगियां खतरे में पड़ रही है जो बॉर्डर के आसपास, उनको कैसे रोका जा सकता है? तो मेंस के लिए मैं आपको कुछ सोचने के लिए देके जा रहा हूँ कि सोचो यहाँ पे किस तरीके से यहाँ पे सीज फायर वॉयलेशन हो रहे हैं, पाकिस्तान की तरफ से जो हमला हो रहा है और जिंदगियों को कैसे वहाँ बचा सकते हैं इन हमलों से। हमले तो होते रहेंगे, जब तक पाकिस्तान लड़ता रहेगा तब तक हमले होंगे, हमारी आर्मी को भी मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा, और हमारी आर्मी ने दिया, उनको जो है मजा चका दिया, लेकिन कहीं ना कहीं हम नागरिकों की जिंदगी कैसे बचा सकते हैं? तो जैसे एग्जांपल मैं आपको दूं कि आप ड्रोन का इस्तेमाल कर सकते हो, मिनिमम कोलेट्रल डैमेज हो ऐसा कर सकते हो, पाकिस्तान के साथ मिनिस्टर लेवल पे बात हो सकती है कि नागरिकों को नुकसान ना पहुंचाया जाए, और क्या क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पे नुकसान कम से कम नागरिकों को हो। सोचो, कुछ नहीं है यूपीएससी, सोचो बस। देखो जितने भी लोग हैं, मैं सबको ये कहना चाहता हूँ कि जितना सोचोगे उतना जो है मेंस के लिए आपकी इन्फॉर्मेशन तैयार होएगी। मेंस का कुछ नहीं है, मेंस में आपको केवल अपना ओपिनियन बनाना ही पड़ेगा, सोचना ही पड़ेगा। प्रीलिम्स के लिए आप फैक्ट याद कर लोगे। COVID-19 क्रम्बलिंग वर्ल्ड ऑर्डर, वही बात हो रही है कि अब वर्ल्ड ऑर्डर इतना बिगड़ गया है कि अब धीरे धीरे कंट्रीज आपस में बॉर्डर सील करने लग जाएंगी। डेवलपिंग कंट्री से या अंडर डेवलप्ड कंट्री से कोई सामान आएगा तो उसमें हाइजीन चेक करेगी, सेफ्टी चेक करेगी, उसकी वो इन्फेक्टेड है कि नहीं है, कितना सुरक्षित है, वो हेल्थी है कि नहीं है वो सामान। फिर जो डेवलप कंट्री में सामान आएगा तो इससे ट्रेड में दिक्कतें आएंगी। दूसरी, ये तो मैं गुड्स की बात कर दिया, सर्विसेज की बात करूँ यारी, अगर हमारे इंजीनियर डॉक्टर अगर डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री में जाएंगे उन पर भी जो है रेस्ट्रिक्शन हो सकते हैं। चाइना फटाफट अपना प्रोडक्शन स्टार्ट कर चुका है, चाइना ने जो है सबको ये बता दिया है कि मैं अब लीडर हूँ, जबकि पता है सबको चाइना की गलती है। हमारी दिक्कत ये है कि WHO को हमको ब्लेम नहीं करना चाहिए, WHO, IMF, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन तो खैर 1995 का है, लेकिन UN, ये इतने 1940s के जो इंस्टीट्यूशन है, 1950s के, 2020 के चैलेंजेस कैसे संभालेंगे?
जिनको बनाया उस टाइम की मुश्किलों के लिए था, वो आज की मुश्किलें कैसे संभालेंगे। और इसलिए WHO जो है इस पेंडेमिक को ढंग से काम तो अच्छा किया लेकिन कंट्रोल नहीं कर पाया। UN की मैं बात करूँ तो यूनाइटेड नेशन जो यहाँ पे मीटिंग हुई UNSC की, इतनी लेट हुई, COVID-19 जब तक फैल चुका था और वो भी इनकॉन्क्लूसिवली, जिसमें COVID-19 का मैटर डिस्कस करने से तो रोक दिया गया चाइना के द्वारा। चाइना परमानेंट पावर है ना, तो साउथ अफ्रीका की मदद से और फ्रांस की मदद से, शायद फ्रांस था पता नहीं कौन था उसकी मदद से इन्होंने रोक दिया, रशिया की मदद से, सॉरी साउथ अफ्रीका और रशिया की मदद से। आज हमको ऐसे इंस्टीट्यूशन चाहिए जो 2020 के चैलेंजेस से झेल सके, ऐसे इंस्टीट्यूशन चाहिए जो वापस जो है हमारी एक तरीके से नए कानून लाए, नई जो है चीज़ें निकल के आए। ग्लोबलाइजेशन को खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ट्रेड में अब काफ़ी ज़्यादा खतरा बढ़ेगा, क्योंकि ये चीज़ आप समझो कि जो सरकारें हैं वो हमेशा ये देखती है कि खुद के देश में कितना फ़ायदा हो रहा है, और हर सरकार को देखना चाहिए। दिक्कत की बात तब आती है जब अपने देशों में भी वो अमीरों को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, जैसे USA में देखा गया या और वेस्टर्न कंट्रीज़ को देखा गया, तो जो लोगों की जो कैपिटल, जो वहाँ के कैपिटल मार्केट्स हैं उनको बचाने में लग रहा है, पब्लिक हेल्थ की चिंताओं को थी नहीं। लीडरशिप वहाँ की इस न्यूज़ को फैलने नहीं दी जा रहा था कि COVID-19 बढ़ रहा है, क्योंकि स्टॉक मार्केट गिर जाते हैं, पैसा किसका स्टॉक मार्केट में, अमीरों का। तो पब्लिक हेल्थ को नेग्लेक्ट करते हुए यहाँ पे लोग, सरकारों ने किसको देखा, कैपिटल मार्केट को। ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो हमको एक तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन चाहिए जो आज के चैलेंजेस झेल सके, हमको ऐसी लीडरशिप चाहिए जो पूरी दुनिया के बारे में सोच सके और अपने देश में भी गरीब अमीर का फासला ना रखें। डिस्क्रिमिनेशन जिस तरीके से बढ़ रहा है, देखा गया मणिपुर में एक वुमेन थी, मणिपुरी वुमेन थी, दिल्ली में आई थी, तो मणिपुरी थोड़े चाइनीज़ लाइक लगते हैं, तो उनको जो डिस्क्रिमिनेशन किया, उनको कहा कोरोना वायरस। ये जो डिस्क्रिमिनेशन अब बढ़ रहा है इसको रोकना पड़ेगा। स्टिग्मा जो बढ़ रहा है इन्फेक्टेड लोगों का, ये करना पड़ेगा। ठीक है, ट्रैवल रेस्ट्रिक्शन सब लग जाएंगे, सोचो इनके बारे में कैसे जो है अब हम आगे जाके अपने वापस ग्लोबल ऑर्डर को ला सकते हैं, नए इंस्टीट्यूशंस बना सकते हैं, नए लीडरशिप ला सकते हैं, आपस में बात कर सकते हैं। सार्क की मैं बात करूँ तो एक अच्छा एग्जांपल था मोदी जी के द्वारा, लेकिन अब क्या हुआ सार्क का, शॉर्ट टर्म के लिए था, लॉन्ग टर्म के हमको वापस करना चाहिए था। G20 मीटिंग हुई, कुछ खास हुआ ही नहीं उसमें। तो हमको अब नए ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, हमको नए इंस्टीट्यूशन चाहिए। वुमेन सेफ्टी ड्यूरिंग लॉकडाउन, घरों में आदमी औरत कैद है, और सदियों से खासकर कि पिछले इन कुछ दशकों में औरतों पे काफ़ी अत्याचार हुआ है, डोमेस्टिक वॉयलेंस, मैरिटल रेप्स, एब्यूजिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही हैं, भारत भी नहीं कई देशों की मैं बात कर रहा हूँ, खासकर के डेवलप्ड कंट्री में तो बहुत ज़्यादा है। लॉकडाउन है तो वुमेन हेल्प के लेके बाहर भी नहीं जा सकती, भाई घर में अगर उसको डोमेस्टिक वायलेंस झेलनी पड़ रही है तो बाहर जाएगी तो बाहर तो लॉकडाउन, अथॉरिटी से घर में मदद मांगेगी तो अथॉरिटी तो बिजी है, ऑफिशियल्स बिजी हैं लॉकडाउन लगाने में, कहाँ जाए, घर वालों, अपने खुद के घर वालों के पास जाए औरत तो वहाँ जा नहीं सकती, क्योंकि वहाँ इन्फेक्शन करने के डर, लॉकडाउन का डर, ऑफिशियल्स का डर। कुछ देशों ने यहाँ पे क्या किया है, कोड वर्ड निकाला है मास्क 19 नाम का, जैसे फ्रांस और जर्मनी में औरत मेडिकल की दुकान पर जाके अगर ऐसे कह दे मास्क 19, तो मेडिकल वाला फटाफट ऑफिशियल्स को फ़ोन मिला देगा कि इस औरत ने डोमेस्टिक वायलेंस झेली है। भारत में ऐसा क्यों नहीं है? पहली बात तो डोमेस्टिक वायलेंस इतनी हो क्यों रही है, क्योंकि आपको पता है कि औरत और आदमी अब घर में बंद है, इनकम नहीं आ रही, दिक्कतें आ रही है, चारों तरफ से नेगेटिव न्यूज़ है, न्यूज़ चैनल जो है वो देखते 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 लोगों में अब काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ रहा है। तो एक औरत तो आदमी को मार नहीं सकती, क्योंकि औरत तो सब कुछ सहन कर सकती है ना, औरत तो शुरू से सहन करती है, एक लड़की शुरू से सहन करती हुई आई होती है, उसने हर तरह का दर्द सहा होता है, लेकिन आदमी क्या करे, आदमी को तो हमेशा गुस्सा निकालना सिखाया है, शुरू से ही हम कहते थे कि बदला लेके आओ, जब बच्चे थे लड़के छोटे से थे तो जब कोई मार देता था पड़ोसी का बच्चा तो माँ बाप कहते थे ना कि तू क्यों नहीं मारा, उसके मार क्या था, कुछ तो ऐसे कहते, लड़ाई नहीं करते, लेकिन अगर कोई मार देता है सामने वाला तो हमारा बच्चा कमज़ोर कैसे, बदला लेना सिखाया गया है।
यही साइकोलॉजी आज इस तरीके से बढ़ रही है कि डोमेस्टिक वायलेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। अब वुमेन बाहर भी नहीं जा सकती और उनको दिक्कत भी आ रही है। मेंस के लिए मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूँ किस तरीके से लॉकडाउन पीरियड में और ऐसे पीरियड्स में जहाँ पे वुमेन को जो है अंदर रहना पड़ता है या फिर ऐसी जहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है या वुमेन ऑफिशियल से मदद नहीं ले पाती, सिचुएशन में कैसे कैसे मेजर्स अपनाने चाहिए सरकार के द्वारा कि अतिरिक्त बोझ भी ना पड़े, एडिशनल बर्डन भी ना पड़े और काम भी हो जाए, वुमेन्स को जो है हेल्प भी मिल जाए। पहला तो यह कि सारी एनजीओज़ वगैरह जो है उनको मिलकर यहाँ पे इकट्ठा करके करना चाहिए कि वुमेन का ध्यान रखें। दूसरी बात, मैसेजिंग सर्विसेज हों, कैसे SOS जो होती है ना, सेव आवर कुछ ऐसा ही होती है, सेव आवर मुझे याद नहीं आ रहा, और यहाँ पे लोगों को अवेयर करवाना चाहिए एडवर्टाइजमेंट्स के जरिए, मैसेजिंग के जरिए कि डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो नहीं हो। पिछले कुछ दिनों से मैं सोशल मीडिया पर देख रहा हूँ कि देखा जा रहा है कि आदमी एक जो पुरुष है वो कितना परेशान हो रहा है घर में बैठे बैठे, महिलाओं की कोई बात ही नहीं कर रहा कि महिलाओं को कितनी डोमेस्टिक वायलेंस यहाँ पे झेलनी पड़ रही है, सबका यहाँ पे ख्याल इसको रखना पड़ रहा है, आदमी तो बैठा बैठा आराम कर रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले तो जो मेल है जो फीमेल की मदद कर रहा है, एक हस्बैंड वाइफ की मदद कर रहा है, एक पुरुष महिला की मदद करते हुए जो फोटोज़ है वो ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट होनी चाहिए सोशल मीडिया पर, साथ में काम करते हुए तो सोशल मीडिया पे अवेयरनेस होनी चाहिए, एनजीओस को साथ मिलाना चाहिए, हेल्पलाइन नंबर होना चाहिए, मैसेजिंग सर्विसेज होनी चाहिए, और भी बहुत सारी जो है चीज़ें हो सकती हैं, सॉल्यूशंस तो अनलिमिटेड है। सोचिए, समझिए, कमेंट बॉक्स में डालिए, सोचेंगे तभी जो है आपका दिमाग खुलेगा और आपको मेंस के लिए काफ़ी ज़्यादा आइडियाज़ मिलेंगे, ठीक है, ऐसे ही जो आप तैयार होंगे मेंस के लिए। तो गाइस ये थी हमारी वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल।